क्या आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि हम लोग रेगुलरली कनेक्टेड रहें। nlpwithneha.com इज़ द वेबसाइट दैट यू नीड टू चेक आफ्टर दिस वीडियो टू नो मोर अबाउट अस। ऑलराइट, तो अपनी सेक्स के डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल करें और कैसे रेगुलेट करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रेडी हो जाएं एक नोटबुक और पेन के साथ, फटाफट से रेडी हो जाएं। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे अंदर जो ये सेक्सुअल डिज़ायर्स आते हैं, ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत ही सिंपल, इफेक्टिव, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल मेथड से आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है ना। ये जो हमारा शरीर है ना, ये जो बॉडी है, हमें लगता है कि ये बॉडी सब कुछ है, नहीं, इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है ना वही आपके बॉडीली एक्शंस को डिफाइन करती है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, बहुत बहुत मैटर करता है। इसलिए अगर आपने कई बार देखा हो कि जब एक इंसान पूरा होता है तो उसको क्या बोला जाता है कि इसके प्राण चले गए, है ना। तो हमारे अंदर एक प्राणिक एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, तो उसको ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, ठीक है। नाड़ियाँ सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं आपको, लेट्स से पाइप, ठीक है, पाइप है जिसमें एनर्जी फ्लो कर रही है। तो ऐसे 72,000 पाइप हैं, कैन यू बिलीव दैट। और इसमें जो एनर्जी फ्लो कर रहे हैं ना, ये पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से आप कभी कभी अचानक से ही बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, कभी कभी बिल्कुल लो फील करते हो, कभी अचानक से ही आपके अंदर एक यू नो फूड क्रेविंग हो जाती है, कहीं जाने की क्रेविंग हो जाती है, या कभी कभी आप अचानक से ही बहुत ही इंस्पायर्ड फील करते हो, राइट। तो ये एक पूरी एनर्जी का खेल है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस एनर्जी के कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं जहाँ पर एनर्जी मिलती है, वो है 114, ठीक है। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो है 7, जिसको हम चक्रास भी बोलते हैं। इसमें से जो एक चक्रा है जो ब्लॉक्ड होता है, और तभी हमारे अंदर सेक्स को लेकर बहुत अट्रैक्शन, किसी को लेकर बहुत अट्रैक्शन, या सेक्स को लेकर बहुत अटैचमेंट, या उस पर्टिकुलर पार्ट को टच करने की फीलिंग, या उस पर्टिकुलर यू नो फीलिंग से, या उस पर्टिकुलर एक्ट से हमें जो फीलिंग मिलती है, हम उसकी तरफ कई बार अटैच्ड या अट्रैक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो जब भी ये पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर ब्लॉक्ड हो जाता है, तब तब आप सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। इवन मास्टरबेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन यू नो करने की हैबिट हो गई है, या आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, मैंने उस पर भी वीडियोज़ बनाई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले कि सेक्स से मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, अपनी सेक्स एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करा जाए, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। बट ये जो एनर्जी सेंटर है, ये नेवल से 2-3 इंच नीचे आता है, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान का सेंटर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारी सेक्स एनर्जी स्टोर होती है, और मैं अगर उसको और बेटर तरीके से बोलूँ तो क्रिएटिव एनर्जी स्टोर होती है। सेक्स एनर्जी को हम अपलिफ्ट करते हैं जब भी हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हमारी ये एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है इस पर्टिकुलर सेंटर में, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स से एक वाटरफॉल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी ईजिली वो भी एक यू नो एक वुमेन इज स्पीकिंग अबाउट सेक्स इतनी ईजिली कहीं नहीं मिलेगा, राइट। बट आई एम सेइंग इट बिकॉज यू नो दिस इज समथिंग, दिस इज द एजुकेशन दैट पीपल नीड्स एट दिस मोमेंट। सो लेट्स से एक वाटरफॉल है, आप एक वाटरफॉल को इमेजिन करें, ठीक है। वाटरफॉल का जो यू नो जो पानी आ रहा है वो एक पूल में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और उसके नीचे और 6 पूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेंटर्स हैं। तो जब जब एक पर्टिकुलर पूल में, लेट्स से एक पूल से दूसरे पूल में अगर पानी जा रहा है, और यहाँ पर कहीं थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गई और वो पानी पूरा का पूरा नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये ब्लॉक्ड है, ठीक है ना, इसको हमें खोलना है। तो आप क्या कर रहे हैं, जब भी आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स हो रहे हैं तो वन ऑफ द पॉइंट्स इज एक्चुअली ब्लॉक्ड, अब समझ आया, ताकि ईजिली एनर्जी फ्लो कर सके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है, स्वाधिष्ठान एनर्जी सेंटर है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। और अब वो ब्लॉक्ड है तो आप उसे कैसे आप ओपन करेंगे, कैसे आप उसे फ्री फ्लो करेंगे, सिर्फ एक चीज़ करके। पहले इसको समझिए, जब भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक प्लेजर की फीलिंग आ रही है, जो कि नेचुरल है, बहुत लोगों के अंदर आती है, कुछ लोगों को प्लेजर होता है बाहर की चीज़ों को देखने का, ट्रैवल करने का, लेकिन जब भी ये प्लेजर कन्वर्ट हो जाता है अपनी बॉडी से, यू नो वी वांट टू डू एन एक्ट एंड जस्ट कम
and just release, you know. So that's the time basically you need to shift your energy and move out once again. तो इसको हम shift कैसे करें, इसको हम change कैसे करें, कुछ creative करके. जब भी आप कुछ creative करेंगे तो ये वाला जो चक्रा है ये अपने आप unblock हो जाएगा और balance हो जाएगा. Creative यानी कि क्या कुछ भी कर सकते हैं. आप कहेंगे नहीं हाँ मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता तो मैं कैसे creativity अपने अंदर से बाहर निकालूँ. थोड़ा बहुत कुछ तो कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं, आप रंगोली बना सकते हैं. लेकिन अभी आपको मैं और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ तो यहीं पर रहिएगा, ठीक है. ये हो गया कि कैसे आपको कुछ पर्टिकुलर एक्ट करके अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना है. अच्छा कुछ खा कर कैसे एनर्जी को रिलीज़ करा जाए, क्योंकि ये जो सेंटर होता है ना, दिस इज़ द सेंटर ऑफ प्लेजर बेसिकली, ठीक है. लेकिन लाइक आई सेड प्लेजर यानी कि सिर्फ सेक्स का प्लेजर नहीं, तो आपको उसी एनर्जी को शिफ्ट करना है. खा कर कैसे, कुछ खा कर, वट फूड विल हेल्प यू. तो ध्यान से सुनेगा, अनार. अगर आप अनार के उस प्रोसेस को ओपन करके, यू नो कैसे आप अनार को छिलते हैं, है ना, अनार को छिल कर आप खाएं, तो वो आपके लिए इस एनर्जी को फ्लो करने में हेल्प करेगा. एट द सेम टाइम अगर आप उस अनार को जब आप उसे खोल रहे हैं, यू नो पूरा का पूरा निकाल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है अगर आप उसे इन्जॉय करें तो अपने आप एकदम से फ्री फ्लो महसूस करेंगे. एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे और तरीके हैं. आपने कई बार ऐड देखी होगी वो मैंगो जूस की, यू नो मैंगो फ्रूटी की, समथिंग लाइक दैट. वो मैंगो हाथ में होता है एंड शी इज़ जस्ट यू नो हैविंग इट. सो वट इज़ दैट, इट्स अ प्लेजरेबल फीलिंग. तो जो भी फ्रूट्स जिसमें बहुत प्लेजर फीलिंग आती हो आप वो भी कर सकते हैं. उससे क्या होगा, उससे सबसे पहली बात ये जो एनर्जी सेंटर है ये तो फ्लो होगा, यू नो एनर्जी फ्लो होगी. पर एट द सेम टाइम उस फूड्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी को फ्लो करने में हेल्प करेगी, ठीक है. ये हो गई दूसरी चीज़. ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको और बताने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने अपने चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप में मैं जब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करती हूँ तो बहुत इन डेप्थ बात होती है, बिकॉज़ ये एक ऐसी एजुकेशन है जो कि नहीं दी जाती है बहुत लोगों को, है ना. तो एक हो गया फूड और पहला हो गया कि कोई पर्टिकुलर एक्शन. और क्या करा जाए, आप अगर रेगुलर बेसिस पर सिर्फ अपने माइंड में जब भी आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है, ऑरेंज कलर इमेजिन करें, सिर्फ ऑरेंज कलर देखें या अपने आप को ऑरेंज ड्रेस में देखें, तो उससे भी आपकी एनर्जी रिलीज़ हो सकती है. क्योंकि ये जो एनर्जी सेंटर है, इस एनर्जी सेंटर का जो कलर है वो है ऑरेंज. हर एनर्जी सेंटर का एक कलर है ना, और इस एनर्जी सेंटर का कलर है ऑरेंज. मैं इसके ऊपर बहुत बात कर सकती हूँ आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोज़ में. आप मुझसे पूछेगा चक्रा बैलेंसिंग इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्रोसेस दैट यू कैन एक्सपीरियंस, राइट. सो ये हो गया अनदर वे टू एक्चुअली रिलीज योर एनर्जी एंड बैलेंस योर एनर्जी, कि आप अपने आप को या फिर तो ऑरेंज ड्रेस में देखें या फिर आप अपने माइंड में, अपने मन की आँखों से सिर्फ ऑरेंज कलर को देखें और फील करें कि वो ऑरेंज कलर आपके अंदर जा रहा है, फ्लो हो रहा है. तो इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो यू नो ये जो एनर्जी ब्लॉक्ड है ये अपने आप फ्लो होनी शुरू हो जाएगी. इसका जो एलिमेंट होता है इस एनर्जी सेंटर का वो होता है वाटर, ठीक है ना. तो जो जितने भी वाटरी फ्रूट्स हैं अगर आप वो खाएंगे तो उससे भी एनर्जी फ्लो होगी. और बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो यू नो यू कैन टेक अ नाइस शावर एंड जस्ट इन्जॉय योर सेल्फ. लाइक अगर आप यूजली 10 मिनट शावर लेते हैं, यू नो टेक अ बाथ फॉर 10 मिनट्स, टेक इट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स. लेट दैट वाटर फ्लो इन योर बॉडी, इन्जॉय द बाथ. Also, you can just add little, you know, few candles in your washroom to just have that sensual feeling. आपने देखा है ना, कई बार जो हम फ्रूट्स खाते हैं तो बड़ी सेंशुअल सी फीलिंग आती है. तो जब जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको ना, सच बता रही हूँ, आपको अपने ऊपर हंसी आने लग जाएगी, कहाँ मैं एक छोटे से पार्ट के साथ और एक छोटी सी फीलिंग के साथ अटैच हो रहा हूँ या हो रही हूँ. तो जब आप ये करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट होनी शुरू होगी. और कहाँ पहुँचेगी, सीधे पहुँचेगी आपके हार्ट सेंटर पर. और हार्ट सेंटर से आप You can always just give that love to people. अभी क्या हो रहा है, sex is a very selfish act, my dear friends. I'm not saying don't do it, or I'm not saying it's not good, not bad. I'm not even talking about that. I would not get into that debate. आप चाहें तो अपने thoughts आप share कर सकते हैं, but मैं आपको ये बता रही हूँ कि sex कहीं ना कहीं एक selfish act है. Love is more of a selfless act, right? तो जब आप इस energy को uplift करेंगे तो automatically
ये जो एनर्जी कन्वर्ट होगी प्यार में, अनकंडीशनल लव में, मे बी इट विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट? एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू शिफ्ट योर एनर्जी. या यू कैन ऑल्सो से कि नेहा वॉट अबाउट इफ आई एम रियली मिसिंग माई पार्टनर. एग्जैक्टली, शिफ्ट योर एनर्जी एंड सेंड दैट लव टू दैट पर्सन, राइट? जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस. तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो और कुछ नहीं है, वाइब्रेशंस हैं. जब भी हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, खासतौर से अगर बॉडी पार्ट की तरफ, तब तो इमीडिएटली आपको बाहर आने की ज़रूरत है. अदरवाइज वो जितना आप उसके साथ अटैच होंगे, उतना ज़्यादा आप लो 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 जाएंगे. आप खुद सोचिए ना, जब भी आप मास्टरबेट करते हैं, या either a man or a woman, if you are just, you know, touching yourself, take for that feeling, for that pleasure, थोड़े टाइम अच्छा लगता है, और बाद में क्या, back to square one. So what is the point? You need to shift your energy and pass it on to people, right? So this is what I would want you to do it, if you would like to. अगर आपने notes लिए हैं, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं और detail में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी. बहुत ही beautiful process है ये energy shifting का. अगर आप चाहें तो आप मुझसे और questions पूछ सकते हैं. अगर आपको ये video अच्छी लगी तो ज़रूर share करिएगा, और subscribe करना मत भूलिएगा. Bell button भी ज़रूर ज़रूर press करिएगा, ताकि हम regularly connected रहें. और इस सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट ज़रूर करिएगा, सिर्फ इस वीडियो तक सीमित मत रह जाएगा. कम से कम 7 दिन दीजिएगा या 5 दिन दीजिएगा अपने आप को इस प्रोसेस से बाहर आने के लिए, और अपने आप को इवॉल्व करने के लिए. अपने साथ जितने ज़्यादा अटैच रहेंगे ना, उतना ज़्यादा दुख ही मिलेगा, सफरिंग मिलती है. लेकिन जब आप इस एनर्जी को बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल रिसीव लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. डोंट फॉरगेट टू चेक nlpwithneha.com, वेर वी हैव ऑल आवर वर्कशॉप्स, एंड टू चेक इट आउट एंड स्टे कनेक्टेड. एंड हे, कीप प्रोग्रेसिंग, एंड डोंट फॉरगेट, यू आर एब्सोल्युटली ऑसम.